good morning students in previous video we learn about source of light types of object and shadow our next topic of discussion is types of light luminous object can produce following three types of light first one is fluorescent light some lamps produce light when they are cool not hot कुछ लैंप लाइट तब प्रोड्यूस करते हैं जब वो कूल होते हैं ना कि हॉट इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज टू बिल्ड अप हीट इलेक्ट्रॉन आर यूज टू बॉम्बार्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट अ लो प्रेशर इन अ ट्यूब क्या होता है बच्चों कि जो हमारे पास फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब होती है उसके अंदर आर्गन गैस फिल की जाती है और आर्गन गैस के मॉलिक्यूल्स को लो प्रेशर पर रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्लोसेंट लाइट है वो इनकेंट लाइट से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है अवर नेक्स्ट टाइप इज इनकेंट लाइट सिर्फ तीन ऑब्जेक्ट कैन बी हीटेड एंड और गिवन ऑफ लाइट कुछ ऑब्जेक्ट तब तक हीटअप होते हैं जब तक कि वो ग्लो नहीं करते हमने पहले भी लाइट बल्ब का एग्जाम्पल पड़ा हुआ है कि लाइट बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है इन साइड अ ग्लास बल्ब देयर इज अ थिन वायर फिलामेंट मेड ऑफ द मेटल टंगस्टन विच कैन बी हीटेड टू आवर टू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस विदाउट मेल्टिंग जो ये टंगस्टन का फिलामेंट है ये टू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस तक हीटअप कर सकता है बिना मेल्टिंग के मतलब बिना पिघले हुए

फिल्ड विद गैस अंडर प्रेशर नियोन लाइट्स के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उन ट्यूब्स के अंदर नियोन गैस फिल की जाती है इस गैस को ट्यूब के अंदर कुछ प्रेशर में रखा जाता है एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पासिंग थ्रू नियॉन गैस कॉज इट टू गिव ऑफ रेड लाइट जब न्यन गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये हमें रेड लाइट देती है इफ़ अदर गैसेज आर एडेड टू नियोन अदर कलर आर प्रोड्यूस अगर हम न्योन के अंदर डिफरेंट टाइप के गैसेस को ऐड करेंगे तो हमें अलग अलग तरह के कलर्स मिलेंगे